राखी वाली मुहिम संजीव भट्ट के लिए किस तरह की रहेगी? आप लोगों ने राखी बांधने के लिए या जेल में परमिशन मांगी और क्या चाहती है आप? मैं राखी नहीं बांधने वाली हूँ। नहीं, आपने जो मुहिम की बात कर रहा हूँ ये लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, सो ये लोग सब राखी लेके जाएंगे कल। मेरे ख्याल से राखी बांधने में यू नीड अ परमिशन, आई डोंट थिंक सो। दे जस्ट गो, जाएंगे, ट्राई करेंगे राखी बांधने। इट्स अ सिंपल, वेरी ग्रेसफुल, शांत अफेयर है। कितनी राखी आई है, कहाँ कहाँ से आई? 30,000 के आसपास होगी, एग्जैक्ट गिनी नहीं है, मगर काफी राखी है और पूरे देश और आउटसाइड इंडिया से। हमने मैसेजेस पढ़े, एक मोटिव है अलग के, संजीव भट्ट को परेशान किया जा रहा है, तो हम ये राखी के जरिए मुहिम को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं सेंसिटिव है, इमोशनल है, बहादुर है, जो बाहर आई है। आई आल्सो वांट एवरीवन ऑफ अस आल्सो टू कम फॉरवर्ड, वी विल नीड एज मच एज सपोर्ट वी कैन। क्या परेशानी क्या है, कैसी परेशानी है, आप जिसे बता रही थी थोड़े टाइम पहले, क्या परेशानी है, कैसे परेशानी किया जाता है, क्या क्या अभी हो रहा है संजीव भट्ट के साथ, आपके साथ? एक घर में से एक हस्बैंड को बिना बताए, बिना कुछ कहे लेके चले जाते और उसको कन्विक्ट कर देते हो, इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? इट इज सच ए बिग परेशानी। आप क्या कहते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, सस्पेंड कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, घर तोड़ देते हैं, मिलने नहीं देते, जेल में उनको परेशान कर रहे हैं, वकील नहीं करने देते, और क्या चाहिए आपको? इससे तो ज़्यादा परेशानी अब मुझ में झेलने की भी ताकत नहीं है, बहुत हो गया। इसमें आवाज उठाने की जरूरत है। हम क्या फेस कर रहे हैं वो तो हमको ही पता है और हमारे साथ जो नजदीक से जुड़े हैं उनको पता है, मगर दिस हैज टू एंड। ये हमारी जैसी परेशानी दूसरों को ना हो ये भी देखना है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट संजीव भट्ट एंड हिज फैमिली, इट इज अबाउट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड देयर फैमिली, इट इज अबाउट ईच एंड एवरी ऑफिसर एंड देयर फैमिली। वी नीड टू कम आउट, द बॉटम लाइन इज वी नीड टू कम आउट एंड वी नीड टू स्पीक। We need to ask questions.